सो दोस्तों, जैसा कि आपने अभी स्क्रीन पर स्टेटस देखा, सो वही स्टेटस हम क्रिएट करने वाले हैं। सो वीडियो को एंड तक देखना है और वीडियो को कहीं भी स्किप नहीं करना है गाइस। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। ओके गाइस, और अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो कमेंट ज़रूर कीजिए। ओके गाइस, सो वीडियो को एंड तक देखना है, ठीक है फ्रेंड्स। और अब आपको आगे की प्रोसेस बताता हूँ ऐसा स्टेटस बनाने के लिए क्या करना है। सो पूरी एंड तक प्रोसेस बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप, बहुत ही इजी तरीके से। तो वीडियो को कहीं भी स्किप नहीं करना है। सो चलिए गाइस, आगे की प्रोसेस बताता हूँ। सबसे पहले आपको इस ऐसा स्टेटस बनाने के लिए एक ऐप की ज़रूरत पड़ेगी जिसका नाम है लाइट मोशन। सो उसे डाउनलोड करने के लिए गाइस क्या करना है आपको, एक मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दी हुई है लाइट मोशन की, सो गाइस वहाँ से डाउनलोड कर लेना है। या फिर अगर आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो तो वहाँ उसे भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, बहुत ही इजी तरीका है। ओके गाइस, इजी स्टेप है। सो आप स्टेप बाय स्टेप करते जाना है जैसे मैं बताऊंगा वैसे। ओके फ्रेंड्स, पूरा डाउनलोड करने के बाद आपको क्या करना है, एलाइट मोशन को डाउनलोड होने के बाद आपको मेरे वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आना है। वहाँ पर फिर से आपको दो प्रोजेक्ट की लिंक मिलेगी। सो गाइस, दोनों प्रोजेक्ट को डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद आपको इस एलाइट मोशन में इनपुट कर लेना है। ओके फ्रेंड्स, एलाइट मोशन में इनपुट करने के बाद आपको क्या करना है, सिंपली गाइस आपको इस तरह से एलाइट मोशन को ओपन कर लेना है। एलाइट मोशन को ओपन कर लेना है, आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस आएगा। सो आपको क्या करना है, यहाँ पर प्रोजेक्ट का ऑप्शन दिख रहा है गाइस, सो इस प्रोजेक्ट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है, ठीक है फ्रेंड्स। इस तरह से प्रोजेक्ट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना। अब आगे की प्रोसेस बताने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि इंस्टाग्राम पर अभी तक फॉलो नहीं किए हो तो जल्दी से फॉलो कर लीजिए। ओके गाइस, यहाँ पर इतना करने के बाद आपको बीटमार्क वाला जो सॉन्ग है उसे ओपन कर लेना। ओके गाइस, ओपन करने के बाद अगर गाइस आपका सॉन्ग इस तरह से आए, यहाँ पर इस तरह से ये चलता नहीं है, तो ये सॉन्ग कैसे आपको इनपुट करना है ये आपको मैंने वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, तो उस वीडियो को पूरी देख लीजिए। जो भी सॉन्ग नहीं चलता है आपको ऐसे प्रोजेक्ट इनपुट करने के बाद सॉन्ग नहीं चलता है, तो उसको मैं स्टेप बाय स्टेप पूरा सॉल्व करके बताया हूँ, एक वीडियो दी हुई है, तो उस वीडियो की लिंक आपको मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सो गाइस, आप उसे भी देख लीजिए एक बार, सारी आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, ठीक है गाइस। तो चलिए अब ओपन करते हैं, सॉरी गाइस इसको ऑन करते हैं। सो यहाँ पर इस तरह से आपको रेड कलर में बीट लगी मिल जाएगी गाइस। सो आपको अब सिंपली क्या करना है, यहाँ पर आपको स्टेप बाय स्टेप फ़ोटो लगाना है। सो फोटो लगाने के लिए आप क्या करना है गाइस, यहाँ पर दिख रहा है ये प्लस का आइकन, तो प्लस के आइकन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर मीडिया का आइकन दिखेगा तो मीडिया के आइकन पर क्लिक कर देना है। ओके गाइस, उसके बाद आपके सामने इस तरह से यहाँ पर कोई से भी फोल्डर का नाम आएगा, सो उस फोल्डर के नाम पर क्लिक करना है, तो आपके मोबाइल में जितने भी फोल्डर है सारे फोल्डर ओपन होकर आ जाएंगे। उसके बाद आपको जिस फोल्डर में भी आपकी फ़ोटो रखी हुई है उस फोल्डर को ओपन कर लेना। ओके गाइस, सो ऐसी फ़ोटो डाउनलोड करना चाहते हो तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर चले जाइए, वहाँ पर आपको 400 से भी ज़्यादा फ़ोटो मिल जाएगी। सो वहाँ से फ़ोटो डाउनलोड कर लीजिए। उसके बाद फ़ोटो लगाने के लिए सिंपली गाइस इस फोटो पर क्लिक कर देना है। उसके बाद ऊपर थ्री डॉट दिख रहे हैं गाइस, उस पर क्लिक करना है और पाँचवें नंबर पर मिलेगा फिल कंपोजिशन एरिया। सो उस पर क्लिक करने के बाद इस तीर के निशान पर क्लिक कर देना है और उसके बाद यहाँ से कट कर देना है, ठीक है फ्रेंड्स। इतना करने के बाद आपको फिर से प्लस वाले आइकन पर क्लिक करना है, मीडिया का आइकन पर क्लिक करना है और फोटो पर क्लिक करके इस तरह से फ़ोटो लगा देना है। तो गाइस, सारी फ़ोटो आपको स्टेप बाय स्टेप इसी तरह से लगा लेना है। सो आप इजी तरीका बता रहा हूँ मैं, इजी से इजी। सो इसी तरह से आप पूरा वीडियो को एंड तक देखना है, वीडियो को कहीं भी स्किप नहीं करना है। और गाइस, आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके गाइस, और बेल आइकन भी ऑन कर लीजिए ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँगा आपके पास सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से वीडियो देख के इसी तरह से वीडियो बना पाओगे। ओके गाइस, तो इसी तरह से इजी बता रहा हूँ, स्टेप बाय स्टेप आपको बताते जा रहा हूँ। ओके गाइस, तो जो भी प्रॉब्लम आए तो आप उसमें स्क्रीनशॉट लेकर आप मुझे इंस्टाग्राम पर सेंड कर दीजिएगा, इसमें आपको सारा प्रॉब्लम सोल्व करके दूंगा, ठीक है फ्रेंड्स। लाइट मोशन बिना वाटरमार्क में चाहिए तो आपको उसकी लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, तो वहाँ से इजीली आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस तरह से मैं आपको जल्दी जल्दी इस तरह से लगा के बता देता हूँ फोटोज़, ठीक है फ्रेंड्स। सो गाइस, आप स्टेप बाय स्टेप मैंने फ़ोटो लगा दिया, आप देख सकते हैं इस तरह से सारी फ़ोटो मैंने इसमें ऐड कर दिया हूँ। सो अब क्या करना है गाइस, यहाँ से आपको बैक चले जाना है। बैक जाने के बाद आपको यहाँ पर शेक इफेक्ट को ओपन कर लेना है। ओके गाइस, यहाँ पर शेक इफेक्ट को ओपन कर लिया हमने क्योंकि इसका काम है हमें, तो इस तरह से इसे ओपन कर लेना है, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर सेकंड वाला जो इफेक्ट है
उसको छोड़ना, फर्स्ट वाला जो इफेक्ट है उस पर क्लिक करना है, फोटो पर इफेक्ट पर क्लिक करना है। उसके बाद गाइस यहाँ पर इफेक्ट पर क्लिक करने के बाद थ्री डॉट पर क्लिक करना है और कॉपी इफेक्ट कर लेना, ठीक है गाइस। तो आप देख सकते हैं इस तरह से यहाँ पर कॉपी इफेक्ट करने के बाद आपको फिर से बैक चले जाना है। उसके बाद जो भी फोटो वाला वीड मार्क हमने लगाया सॉन्ग उसे ओपन करना है। यहाँ पर फर्स्ट फोटो पर क्लिक करना है, इफेक्ट पर क्लिक करना है, ठीक है गाइस, थ्री डॉट पर क्लिक करना है और पेस्ट इफेक्ट कर देना है। फिर आगे जाना है सेकंड फोटो पर, इस तरह से इफेक्ट पर क्लिक करना, थ्री डॉट पर क्लिक करना, पेस्ट कर देना। थर्ड फोटो पर भी इसी तरह से आपको इफेक्ट लगा देना। ओके गाइस, सो हम तीन फोटो पर इस तरह से यहाँ पर इफेक्ट लगा दिए। उसके बाद क्या करना गाइस, आपको इस तरह से ऊपर स्क्रॉल करके बता देता हूँ मैं कितनी फ़ोटो पर लगाए। तो ये तीन फोटो पर लगा दिया, फिर आगे आना है। सो ये बड़ी फोटो आ रही है, इस फोटो को छोड़ देना। उसके बाद जो फोटो आ रही दो फोटो, उस फोटो पर ही वाला इफेक्ट लगा देना, ठीक है गाइस। सो इस तरह से मैं लगा देता हूँ, फिर आपको आगे की फ़ोटो छोड़ देना है, ठीक है गाइस। सो इस तरह से मैं दो दो फोटो में स्टेप बाय स्टेप सारी फ़ोटो में ये वाला इफेक्ट लगा देता हूँ। तो आप भी इसी तरह से सारी फ़ोटो में ये वाला इफेक्ट लगा लेना है, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस तरह से दो दो फोटो में ये वाला इफेक्ट लगाना है और एक फ़ोटो को छोड़ देना है, ठीक है फ्रेंड्स, देख सकते हैं आप। तो इसी तरह से मैं आपको जल्दी से लगा के बता देता हूँ गाइस एंड तक, और आपको भी इसी तरह से वीडियो को एंड तक देख लेना है, ठीक है फ्रेंड्स, जल्दी से लगा के बता देता हूँ। सो गाइस देख सकते हो आप, मैंने सारी छोटी छोटी फ़ोटो में इफेक्ट लगा दिया हूँ और बड़ी फ़ोटो बची है। सो अब इसमें लगाने के लिए हमें फिर से बैक जाना पड़ेगा और फिर से सेक इफेक्ट को ओपन करना है। ओपन करने के बाद दूसरे नंबर के इफेक्ट पर आ जाना है, फ़ोटो पर क्लिक करना है, इफेक्ट पर क्लिक करना है और थ्री डॉट पर क्लिक करके कॉपी इफेक्ट कर लेना है। इतना करने के बाद फिर से बैक आना है और बीट मार्क सॉन्ग को फिर से ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपको इस तरह से तीन फ़ोटो आगे की छोड़ देना है और आगे आ जाना है गाइस। इतना आगे आने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर जो बड़ी फ़ोटो आ रही है गाइस उस फोटो पर क्लिक करना है, इफेक्ट पर क्लिक करना है, थ्री डॉट पर क्लिक करना है और पेस्ट इफेक्ट कर देना है। इतना करने के बाद फिर से आपको दो फोटो आगे की छोड़ देना है छोटी लेंथ की, ओके गाइस, और जो भी बड़ी लेंथ की फ़ोटो है उस पर क्लिक करना है, इफेक्ट पर क्लिक करना है और पेस्ट इफेक्ट कर देना है। सिंपली गाइस अब आपको क्या करना है, जितनी भी फ़ोटो बची हुई है जिनमें इफेक्ट नहीं लगा हुआ उन सारी फ़ोटो में ये वाला इफेक्ट इस तरह से लगा लेना, ओके गाइस। तो मैं जल्दी जल्दी से आपको फ़ोटो में इफेक्ट लगा के बता देता हूँ, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसी तरह से आपको एंड तक कर लेना है, ठीक है फ्रेंड्स, तो मैं जल्दी से लगा के बता देता हूँ। सो गाइस मैंने सारी फ़ोटो में ये वाला इफेक्ट लगा लिया, आप देख सकते हो इस तरह से लगा दिया। अब आपको क्या करना है गाइस, सिंपली यहाँ से बैक जाना है और PNG अगर आप लगाना चाहते हो तो दिया हुआ है, आप यहाँ पर ऐसा आना इस तरह से और यहाँ पर फर्स्ट वाले इस पर क्लिक कर लेना। उसके बाद आपको दोनों लेयर पर क्लिक कर देना है, यानी तीनों लेयर को सिलेक्ट करना है। उसके बाद ये वाला आइकन दिख रहा है गाइस यहाँ पर, ये जो कॉपी लेयर वाला है इस पर क्लिक करना है और यहाँ से कॉपी थ्री लेयर कर लेना है। इतना करने के बाद आपको बैक आ जाना है और बीट मार्क सॉन्ग को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद क्या करना है गाइस, आपको यहाँ पर जो जिस जहाँ से कॉपी किए थे उसी आइकन पर क्लिक करना और पेस्ट थ्री लेयर कर देना है। उसके बाद एंड तक आ जाना है, लास्ट तक आपको इस तरह से फिर फर्स्ट वाली लेयर पर इस तरह से क्लिक करना है और ये वाला आइकन दिख रहा है इस पर क्लिक करना है। उसके बाद सेकंड वाली लेयर पर क्लिक करना है और यहाँ तक क्लिक कर लेना, उसके बाद थर्ड वाली लेयर को भी यहाँ तक ले आना है। उसके बाद आपका स्टेटस बनकर तैयार हो जाएगा। तो ऊपर ये तीर का निशान दिख रहा है गाइस, इस पर क्लिक करना है और यहाँ से आपको एक्सपोर्ट वीडियो कर लेना। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से कर लेना, जब तक के लिए वेट कीजिए अगली वीडियो के लिए। ओके गाइस।